यह हकीकत है कि तलाशे बिसियार के बावजूद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बावफा दोस्त मुअज़्ज़ज़ तरीन रफ़ीक कोई न मिलेगा। आपका नाम अब्दुल्लाह इब्न अबी कुहाफा उस्मान इब्न आमिर इब्न उमर अल कुरैशी अत्तमीमी था। आप बड़े कामयाब ताजर और अनसाबुल अरब के मामले में सबसे बड़े आलिम थे। कौम के लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। आप अच्छे अखलाक के हामिल और बेहतरीन ख़ानदान के फ़र्द थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, दौरे जाहिलियत में भी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ऊपर शराब को हराम कर रखा था। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले शख्स हैं, फिर इस्लाम के दाई बने और आपके हाथ पर कबार सहाबा मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, जिनमें उस्मान इबन अफ़ान, ज़ुबैर इबन अवाम, साद इबन अबी वक़ास, तलहा इबन उबैदिल्ला और अबू उबैदा इबन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु मजमाइन वगैरह शामिल हैं। मेराज के मौका पर कुफार में से किसी ने ये कोशिश की कि आपको तशकीक में मुबतला करें। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा की खबर सुनाकर शक में मुबतला करना चाहा, तो ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे बड़े मामले में तस्दीक करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह शाम आसमान की खबर लाते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला ने तमाम सहाबा में से सबसे अफजल हैं। चुनाचे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही लोगों में सबसे अफजल अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को, फिर उमर इब्न खत्ताब और फिर उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हुम को मानते थे। एक रवायत के लफ्ज़ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर किसी को नहीं समझते थे, फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को यह एज़ाज़ भी हासिल है कि हिजरत के मौका पर भी रसूल करीम सल्लम के साथ ही रहे। इस मौके पर अपनी जान और माल के साथ नबी अलैहि सलाम की मदद की, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में आपकी मदद बयान फरमाई, अगर तुम इस नबी की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह उनकी मदद फरमा चुका है। जब काफरों ने उन्हें उनके वतन से निकाल दिया था, जबकि ये दो में से दूसरे थे, जब दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से फरमा रहे थे गम न करो बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है, अपने सारे माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबकर घर में कुछ छोड़कर आए हो? तो जवाब दिया, मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बाकी छोड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खलीफा बने और मुर्तदीन का कला कमा किया और आपके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन को साबित कदमी अता फरमाई। ज़कात के मुनकरीन के साथ किताल किया और फरमाया, अगर अल्लाह के रसूल के दौर में एक रस्सी भी ज़कात देते थे, अगर इसको रोकेंगे तो मैं इनसे किताल करूँगा। वफात, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात मंगल के दिन जमादिल आखरा 13 हिजरी को हुई। उस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पड़ोस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में ही आप रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफीन हुई। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदा।